तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी पैंथर्स। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डॉबरेनियर्स ट्राइट्स। डॉबरेनियर ट्राइट, ये जो बंदा था डॉबरेनियर, इसने क्या किया था ऐसा कि इसको एक बहुत बड़ा फेलियर मिल गया एंड वो फेलियर आके डायरेक्टली और कहीं नहीं हमारी साइंस की बुक में ही छप गया। ऐसा इस बंदे ने ऐसा क्या मतलब कर दिया कि इसके ट्राइट्स को इतना पॉपुलर करना पड़ा। तो बेसिकली ये एक फेलियर के बारे में बात की गई है, जो डॉबरेनियर एक बंदा था उसके जो एक डॉबरेनियर स्ट्राइड्स, उसने एक थ्योरी बनाई थी जो कि फेल हुई थी। तो ये बेसिकली उसके ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वैसे तो चैनल पर नए हो गए बिकॉज आई एम नॉट सो पॉपुलर। चलो कोई बात नहीं। डॉबरेनियर ट्राइट्स 1829 में इसकी डिस्कवरी हुई थी एंड एट दैट टाइम अराउंड कुछ 33 एलिमेंट्स और मे बी लेस देन 33 एलिमेंट्स इवन ये डिस्कवर हुए थे। ठीक है, हाँ तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, पर एट दैट टाइम हमारे पास जस्ट 33 एलिमेंट्स ही थे। ऑलराइट, तो इसने बेसिकली किया गया, इसने कहा कि भैया आप क्या करो, मास के अकॉर्डिंग सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो एलिमेंट्स को। ठीक है, अच्छा भैया ऐसा हुआ कि तो फिर मास के अकॉर्डिंग उसने अरेंज कर दिया। उसके बाद उसने कहा ट्राइड, ट्राइड का हम व्याख्या समझेंगे, ट्राइड का मीनिंग क्या होता है। ट्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ थ्री। ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री का मतलब होता है ट्राइड। तो उसने क्या किया, अब इतने सारे एलिमेंट्स बना दिए तो उसने कहा कि भैया तीन तीन का ग्रुप कर दो। ठीक है, इसका एक ग्रुप बन गया, इसका अपना एक ग्रुप बन गया, आगे भी बहुत सारे बन सकते हैं, पर ऐसे करके आगे कितने सारे बन सकते हैं ग्रुप्स। बट उस टाइम पे 33 थे ना, तो मतलब 11 ग्रुप्स तो बन सकते हैं आगे। ठीक है, 11 ग्रुप्स आगे बन सकते हैं, पर हमें उदाहरण के लिए समझने के लिए एक ही ग्रुप काफ़ी है। ठीक है, तो ये जो सामने एक ग्रुप दिया हुआ है ये वाला, इसमें हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं कि ए है, सेंटर वाला बी है और इधर वाला सी है। ठीक है, अब उसके ट्राइड के हिसाब से, जो उसने कहा उसकी थ्योरी के हिसाब से, जो मास ऑफ द ए होगा एंड मास ऑफ द एलिमेंट सी होगा, ठीक है, उनको अगर हम प्लस करेंगे एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय टू करके अरिथमेटिकली उसकी जो एवरेज है उसको निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो जब ये चीज़ करोगे ना आप ताज्जुब में रह जाओगे, भैया जो सेंटर वाला है ना बी, उसके मास के बराबर इसकी एवरेज निकल आएगी अप्रोक्स में। ठीक है, अप्रोक्स में भैया अब ये कैसे हो गया। ठीक है, देखो भैया अब थ्योरी है, उसने थोड़ी बहुत ही रिसर्च की थी, बट इस बंदे को ना पॉपुलर होने की बड़ी जल्दी थी। ठीक है, ये बंदा पॉपुलर होने के पीछे ना मतलब इतनी इसने पूरी रिसर्च की ही नहीं थी। ठीक है, इसने पूरी रिसर्च की नहीं एंड उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसने अच्छा पहले पे हो गया, दूसरे पे हो गया, तीसरे ट्राइड में भी सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जब ये नाइन्थ ट्राइड तक इसका सक्सेसफुल हो गया, यानी कि तीन ग्रुप्स के बाद इसका सक्सेसफुल हो गया, तीन ग्रुप से पहले, जब तीन ग्रुप्स के बाद करने की बात आई, 10वां एलिमेंट, 11वां एलिमेंट एंड 12वां एलिमेंट, ठीक है, तो इन पे ये चीज़ कतई एप्लीकेबल नहीं हुई एंड इसकी थ्योरी वहीं धरी की धरी रह गई। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट जैसा कि अब कोई मतलब ऐसे मैंने चलो कोई थ्योरी बता दी तुमको, ठीक है, अब क्या सबूत है इस बात का कि वो थ्योरी बिल्कुल सही है और तुम उस थ्योरी को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ऑब्वियसली साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेंगे ना, तो बाकी साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चल गया कि भैया ये नाइन्थ एलिमेंट तक है, यानी कि ये बस तीन ट्राइड्स तक ही सक्सेसफुल था एंड 9वें के बाद ये जो 10वें 11वें 12वें है इस पे किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं होता था, चाहे 13वां 14वां 15वां ले लो। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने इसकी जो थ्योरी है इसको झूठा बता दिया। ठीक है, इसको गलत बता दिया एंड वहीं पर इसको एक बहुत बड़ा फेल मिल गया। ठीक है, इसको एक बहुत बड़ा फेलियर मिल गया एंड इसी फेलियर के बारे में हमारी बुक के अंदर ब्रीफली लिखा हुआ, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, कंटेंट पसंद आया लाइक कर दो। ठीक है, उसके बाद चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर देना यार जाते टाइम,
एंड अपने अगले डाउट्स ना कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो, ठीक है, ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाता रहूँ, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मेरे को व्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है ये, सो दैट्स द डील, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपने अगले डाउट्स लिख देना, ओके, थैंक यू।